नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तजाकिस्तान की करेंसी के बारे में और तजाकिस्तान देश के बारे में। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये 5 दिरहम का नोट है नेशनल बैंक ऑफ तजाकिस्तान का। तजाकिस्तान इज़ द सेंट्रल एशियन कंट्री, सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है तजाकिस्तान, जिसका एरिया है 94th नंबर पर और इसकी आबादी है तकरीबन 92 लाख। अगर हम इसके आज़ाद होने की बात करें देश के रूप में, तो ये आज़ाद हुआ था 9 सितंबर 1991 में सोवियत संघ से। ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, उसके बाद ये आज़ाद होकर अलग देश बना तजाकिस्तान तजाकों के लिए। और अगर इसका बॉर्डर के बारे में बात करें, तो ये अफ़गानिस्तान से इसका बॉर्डर टच करता है, उज्बेकिस्तान से भी टच करता है, किर्गिस्तान और चाइना से भी टच करता है। और हम अगर बात करें कि ये काफ़ी प्राचीन सभ्यताओं वाला देश है तजाकिस्तान, यहाँ पर बुद्धिस्ट भी रहे हैं एंशियंट टाइम में, यानी कि आज से 2 से 2.5 हज़ार साल पहले बौद्ध धर्म का काफ़ी यहाँ पर चलन था। तजाकिस्तान और ये उज्बेकिस्तान जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो USSR यानी सोवियत संघ से अलग हुई, यहाँ पर बुद्धिज़्म का काफ़ी प्रभुत्व था प्राचीन काल में। अगर हम इस देश की करेंसी के बारे में बात करें, तो ये 5 दिरहम का नोट है दोस्तों। अगर मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाता हूँ, तो ये ओल्ड नोट है 1999 का। लेकिन अब वहाँ पर चलते हैं सोमानी, अब वहाँ पर दिरहम नहीं चलते हैं, अब सोमानी करेंसी है तजाकिस्तान की। अगर INR से हम कन्वर्ट करते हैं, तो एक सोमानी जो है वो 7 से 8 रुपए के बीच में है। इसका मतलब जो इंडियन करेंसी है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू तजाकिस्तान की करेंसी जो अभी करंट में चलती है सोमानी। तो दोस्तों, ये जानकारी तजाकिस्तान की करेंसी और कंट्री के बारे में आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।